बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन, कारवा मिनी। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् शान्तस्य कुतः सुखम्। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी कि वो स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वो बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्ति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के ही पांव चूमती है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम, परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सेक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं, इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सबसे भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया ना दोस्तों, तो उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिस योगी को परम तत्व ही मिल गया, तो वो तो वैसे ही परमात्मा से मिल गया, इसलिए उसे यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ा योगी सबसे बड़े रहस्य को जान जाता है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण की भगवद गीता का 8वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की शंकाओं को दूर किया। शंकाएं सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है दोस्तों, हम सबकी दूर हो रही हैं, है ना? तो आइए 8वें अध्याय को यहीं पर विराम देता हूं और मैं शैलेंद्र भारती आपसे वादा करता हूं कि 9वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।